सभी को जय हिंद जय भारत। आज आपको दो चीजें बताते हैं जो बहुत काम की है आपके लिए। पहली तो ये कि आर्मी में पहले भले ही एग्जाम हो गया हो, लेकिन एग्जाम के साथ साथ एक टाइम आपको रनिंग करनी चाहिए। दूसरी बात, जिन बच्चों का रिलेशन बना हुआ है उनको भी रिटर्न के साथ साथ में फिजिकल की भी तैयारी करनी चाहिए। जैसे ये अपने पास आ जाए सुनील मिल, और ये तेरा भी भाई है, तेरे ताऊ का लड़का है, और तेरे से बड़ा भाई कौन था यहाँ पे पहले? अमित मिल था। अमित मिल, अमित मिल मात्र 13 दिन उसको रेगुलर जबरदस्त तैयारी करवाई थी फिजिकल की, क्योंकि जब रिटर्न बेस था तब ये 4-5 बच्चे ही थे जो ये रिलेशन वाले थे, उनको जबरदस्त मेहनत करवाई थी। उनमें से एक इसका भाई था जिसने एक्सीलेंट मारी थी 13 दिन बाद। कौन सी भर्ती में लगा था वो? जबलपुर में, जबलपुर वाली भर्ती में। अभी 3 महीने हो गए वो ट्रेनिंग पे है, और उसकी जो मेहनत थी वो मात्र 13 दिन में क्लियर कर ली, ये कहना गलत होगा। क्योंकि उससे पहले जैसे अभी अपना रिटर्न बैच चल रहा है, उसमें हम सुबह सुबह मॉर्निंग में इनको फिजिकल करवाते हैं, फिर दिन भर इनकी क्लास लगती है, तो ये सिस्टम रहता है। तो अगर आपको भर्ती होना है, अच्छा रिजल्ट पाना है, तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। अभी इसका बड़ा भाई लग गया है, तो फादर रिलेशन है ना तेरा भी? यस सर, फादर का रिलेशन। इसके भी फादर का रिलेशन है, अब ये मेहनत करने के लिए आया। तो हर जगह मेहनत ही चलेगी, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हमने सिलेक्शन दिए तो उसकी वजह से ये आया। ये रामवीर है, इसने भी एक्सीलेंट मारी है जयपुर भर्ती में, इसके भाई ने भी एक्सीलेंट मारी थी, इसकी भी मैं गारंटी देता हूँ ये भी एक्सीलेंट मारेगा। और यहाँ आते हो तो दो चीजों का आप विशेष ध्यान रखें। एक तो ये जो दाढ़ी बना रखी है बड़ी बड़ी, ये दाढ़ी जरूर बनवा के आए, कटिंग आप करवा के आए, कम से कम लगना तो चाहिए ना कि हाँ फौज की तैयारी करने वाला बच्चा है ये, सही है? यस सर। तो आज मंगलवार है और कल बुधवार को दाढ़ी और कटिंग दोनों हो जाने चाहिए, हो जाएगी। रात को चलो लेट आया था, आज रेस्ट कर लिया, कल से क्लास में भी दिखना चाहिए, और पहले दाढ़ी, ठीक है। लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।